फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल अजय जी, अगर सबसे पहले कम्युनिटी बाजार में चर्चा करूं अगर कृषि फसल बाजार की, तो कृषि फसल बाजार में आपने बताया था कि बिनौला खल में जब संभल के चलने की ज़रूरत होगी तो आप पहले से ही आगाह कर देंगे। हम देख रहे हैं कि NCDEX पर बिनौला खल का वायदा बाजार अब धीरे धीरे थोड़ा गिरावट की ओर जाता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में ये सही वक्त अभी संभल जाने का? अखिलेश जी देखिए, कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल केक, कॉटन सीड ऑयल केक के जब दाम अपनी क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पे आते हैं या उसको क्रॉस करने लगते हैं तो उसमें एक पॉज आना लाजमी है, स्वाभाविक है, और आज कमजोरी की संभावना बन सकती है। क्योंकि गौरतलब है कि ये कपास खली जो है, बिनोला खल है, ये पशु आहार में इस्तेमाल होती है, और पशु आहार के अंदर यदि आप दाम उसके एक सीमा से एक्सट्रीम ऊपर चले जाएंगे तो पशुपालक के या किसान के पास उस पशु आहार के अंदर दूसरी चीजों का समावेश करना उसके लिए मजबूरी बन जाएगा जी। और यही वजह है कि कपास खली के दाम यदि एक सीमा से ऊपर जा रहे हैं तो उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी जी। क्योंकि किसान माल ही नहीं खरीदेगा या पशुपालक माल ही नहीं खरीदेगा, डेयरी के अंदर दूसरी चीजों की मिलावट होनी चालू हो जाएगी, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, या जो दूसरी चीज है वो उसके अंदर शामिल करने लग जाएंगे। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत ही बैलेंस गेम है जी। अभी खल, चाहे वो सोया की खल हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे और दूसरी ऑयल सीड की हो, उनके दामों के बनस्पत का बिनौला खल की जो कीमत है वो कम है, इसी वजह से पशुपालक इसका इस्तेमाल करते हैं, डेयरी उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। यदि इसके दाम एक सीमा से बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर लगाम लग जाएगी। और ये भी लोगों का, कुछ लोगों का कहना है इसमें सट्टेबाजी हो रही है, इसके अंदर ये अप्रत्यक्षित रूप से रेट बढ़ रहे हैं, ये भी मैं इस चीज पर मैं सहमत नहीं हूं। NCDEX के ऊपर एक भाव है तो पूरे देश के अंदर एक किसान हो या कारोबारी हो या कोई भी हो वो भाव देख लेता है। यदि वो NCDEX पे भाव नहीं हो के फिर आप कहाँ देखेंगे, फिर आप हर मंडी के अंदर उसके अंदर अलग अलग भाव होते हैं, कहाँ आप उसको एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो स्पॉट के प्राइसेस को आप लगातार आपको दिखाए। यदि आपको NCDEX के अंदर यदि कोई कहता है सट्टेबाजी है तो स्पॉट की प्राइसेस एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि किसान अपना देख ले या कारोबारी भाव देख ले। जब भाव देखने का ही एक NCDEX का काम है और तेजी और मंदी का काम, क्योंकि जो तेजी कर रहे हैं वो तेजी यदि फिजिकल में भी करेंगे, माल रोक के करेंगे, आप क्या कर सकते हो उसका। लेकिन पॉइंट ये रहता है कि NCDEX में कम मार्जिन लग के आप माल बड़ा खड़ा कर सकते हो, ये तो पूरे पूरे वर्ल्ड में होता है। ये आप चाहे अमेरिका देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, मलेशिया देख लो, इंडोनेशिया देख लो, सब जगह ऑयल का काम है या कॉटन है, तो कॉटन के काम है ना, उसमें कहां समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि अपनी नाकामयाबी का या अपनी फेलियर का जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉटन के दाम घटेंगे तो कॉटन के किसानों को नुकसान होगा, कॉटन के दाम घटेंगे तो ही कॉटन सीड के दाम घटेंगे, और कॉटन सीड के दाम घटेंगे तो ही आपके कॉटन सीड ऑयल केक के दाम घटेंगे। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है जी। जब तक कॉटन के भाव आकाश में छू रहे हैं, आप कॉटन सीड का भाव कैसे कम हो सकता है, और कॉटन सीड का भाव यदि कम नहीं होगा तो आप खल के भाव कैसे कम हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये गणित समझनी पड़ेगी। लेकिन खल और कॉटन सीड और कॉटन के अंदर फर्क इतना है कि खल का जो अल्टरनेट उपलब्ध है थोड़ा बहुत, बाकी चीज का नहीं है। तो कपास खली के दामों में आज कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं, और जो हाजिर के अंदर काम करते हैं उनको थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कल भी ये 3328 पे क्लोज थी और आज ओपन भी 3317 पे हुई, और ये लो इसने 3300 रुपए का लगा रखा है और 3299 में 3300 का इसका लो है। मुझे लगता है कि आज कमजोरी इसमें बन सकती है।
इसके अतिरिक्त एक और कमोडिटी है जिसमें मुझे आज कमजोरी नजर आ रही है, वो है जीरा। जीरे के अंदर हमने लगातार तेजी की बात कही थी, लेकिन एक सीमा के बाद जाने के बाद उसमें मुनाफा वसूली होती है। तो आज यदि इंटरडे के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको जीरा खरीदने से बचना चाहिए, वहां पर जीरे की कमजोरी बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि आज जीरा और बिनौला खल में कमजोरी की संभावना बनती नजर आ रही है।